हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू डे न्यू ब्लॉग। तो आज है 15 अगस्त, तो उसके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आज आपके सभी कमेंट्स, मतलब सभी सवालों को भी आज़ादी देंगे, हम आज़ाद करेंगे। तो सवाल तो काफ़ी टाइम से हमसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो सवाल मुझ तक पहुँचे ही नहीं थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो कमेंट हमें अभी पता चले थे, काफ़ी सारे जो आए हुए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, रियल क्वेश्चंस, मीन कमेंट्स एंड तारीफ। सबसे पहले हम रियल क्वेश्चंस पे लेते हैं। जो जितने कमेंट्स आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे सब लगा दिए है, तो देख लेना जिसके जिसके कमेंट्स आए हैं। तो ये वाला क्वेश्चंस काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। जैसे एक पर्सन है, वर्मा जी के बच्चे, ब्रो खंडवा में कहाँ से रहते हो, इन्होंने पूछा है। उसके बाद में रोहित बाथम, ब्रो वेयर यू लिव इन मुंबई। सो ये 2 कमेंट्स उठाए मैंने, हम खंडवा से है। अब खंडवा में कहाँ से है, खंडवा में मैंने कमेंट में बता दिया वैसे, तो जाके कमेंट्स देख ले रहा हूँ। अभी वीडियो में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत टाइम तक रहेगा। तो अगर आपको गिफ्ट भेजना है मुझे तो मैं बता दूंगा। अच्छा छोड़ो, मुंबई में कहाँ से हूँ, मुंबई में मैं अंधेरी में रह रहा हूँ और खंडवा अपना होम टाउन है। जिसको खंडवा नहीं पता वो इंदौर के पास में मध्य प्रदेश में है। और मेरी ज़्यादातर ऑडियंस किशोरदा के वीडियो से आई हुई है, तो जो किशोरदा को जानते हैं वो खंडवा को जानते ही हो, तो डिस्क्राइब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चंस। और फिर स्पेशल एक क्वेश्चन हमें 3 महीने पहले आया था, जो मिताली सिंह ने पूछा था, भैया वीडियो पर एड लगाओ, मतलब उन्होंने सजेशन दिया था। तो जब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं था इसलिए हमने ऐड नहीं लगाए, ऐड आ रहे थे लेकिन यूट्यूब की तरफ से। तो अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और अभी ऐड आ चुके हैं। अगर अभी भी आप मेरे वीडियोस देखते हो, जो कि उम्मीद करता हूँ शायद देखते होंगे, तो आपको ऐड दिख रहे होंगे, ऐडों को एंजॉय कीजिए। यार रियल में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं सबके क्वेश्चंस नहीं ले पा रहा हूँ। तो जो जो मेन मेन टॉपिक है या जो जो मेन मेन क्वेश्चंस है मैंने वो उठाया, उसी का आंसर मैं दे रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने की वजह से मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से है। नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे तो जल्दी बनाएंगे। जो सेम कमेंट है वो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, जिनके भी कमेंट मुझे दिख गए उनके कमेंट पढ़ लूँगा। विवेक आर के शिव योगी, हाय अंकित भैया, आई एम विवेक, आपको धुनी वाले दादा गुरु पूर्णिमा ब्लॉग शूट करने मुंबई जाना, अच्छा करके मुंबई जाना था। तो भाई ऐसा सीन हो गया था कि हमारा मुंबई जाने का काफ़ी टाइम से चल रहा था, मतलब आई थिंक 2 महीने से चल रहा था, लेकिन हम वैक्सीनेशन के लिए रुके थे। जब हमारे दोनों डोज लग गए और फैमिली में भी मम्मा पापा को भी वैक्सीन लगवा दी थी, उसके बाद में हमने धुनी वाले दादा के यहाँ पे गए थे, जो आपने ब्लॉग देखा होगा। तो उसमें मैंने वहाँ से उनसे पर्सनली बात की थी कि यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन सब कुछ ओपन होगा कि नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं सब कुछ नहीं ओपन होगा, बाहर के लोगों का अलाउ नहीं है, आ सकते हैं, मतलब भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। तो वैसे भी मैं धुनी वाले दादा के वैसे दर्शन तो दिखाई चुका था जिसमें भीड़ भाड़ नहीं है और रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो उसके बाद में मुझे लगा कि यार फिर से वही चीज़ दिखाना रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए हमने वो नहीं दिखाया। तो चलते नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये आदर्श गेमर भाई, आपने तो बहुत सारे कमेंट किए भाई, मेरा एड्रेस तो आपको बता ही दिया है, मतलब कहाँ रहता हूँ ये बता दिया। और इन्होंने पूछा भाई इंस्टाग्राम की आईडी दो मुझे, मुझे फॉलो करना है। तो भाई साहब इंस्टाग्राम की आईडी हमने अबाउट में लगा के रखी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, जा सकते हो, वहाँ से पहुँच जाओगे। वहाँ पे दोनों आईडिया है, एक पर्सनल आईडी है जिसमें मैं रील्स और ये सब बनाता हूँ, और एक प्रोफेशनल आईडी है जिसमें जो शूट के फोटो होते हैं सिर्फ मैं वही डालता हूँ। उस पर थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जब शूट चालू हो जाएगा तो उस पर भी एक्टिव हो जाऊँगा। शुभम पालीवाल भाई, ब्रो इट्स माई सजेशन, एवरी ब्लॉग लिंक होना चाहिए प्रीवियस ब्लॉग से, जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने देखा तो लगा कि बोरिंग है, बट ब्रो जब डेली ब्लॉग्स आने लगे तो एक स्टोरी क्रिएट होने लगी एंड इंटरेस्टिंग लगने लगा, एंड आई एम वॉचिंग ऑल ब्लॉग्स डेली। ओ थैंक यू, थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर हार्डवर्क, कीप इट अप ब्रो, एक दिन जरूर माइल स्टोन अचीव होगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। हाँ ये चीज़ मुझे भी लगी थी, इसमें हाँ मैं बात करना भी चाहता था। शुरुआत में मैंने जो ब्लॉग्स बनाए अलग अलग, गेमिंग ब्लॉग, चैलेंजिंग ब्लॉग, उसमें अंतर इसलिए है बिकॉज मुझे डिफरेंट ब्लॉग बनाने ही थे,
क्योंकि एक एक ब्लॉग को लिंक किया मैंने कैसा, टॉपिक से लिंक किया, मतलब जर्नी से लिंक नहीं किया, टॉपिक से लिंक किया, बिकॉज उस टाइम पे हमें देखने के लिए कोई आने वाला नहीं था, तो मुझे लगा चैलेंज या गेम वेम देखने के लिए जो भी पर्सन आएंगे उनको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे तो वो चैनल पे जुड़ जाएंगे, तो ये रीज़न था। और अभी भी हम बाहर जाते हैं तो घूमने के लिए जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ पे जाते हैं, जो दिखा सकता हूँ वो दिखाता हूँ, वहाँ उसको अटैच कर लेता हूँ अपनी लाइफ से, अपने पर्सनल लाइफ से और अपने डेली रूटीन से। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा और थोड़ा आ भी रहा है जैसा आपने बोला है। थैंक यू आपके कमेंट के लिए, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। हाँ एक भाई ने हमें सजेशन दिया था 3 मंथ पहले, हाई ब्रो आई विल सजेस्ट यू सम टिप्स एंड ट्रिक टू ग्रो योर चैनल, मेक सिंपल चैनल नेम, सिंपल बैनर, डू नॉट एड एनिमेशन एनिमेशन इन ब्लॉग, मेक थंबनेल सिंपल। व्हाई आई एम सजेस्टिंग, बिकॉज बिग यूट्यूबर मेक सिंपल टाइटल थंबनेल एंड लोगो नेम एंड अदर लाइक फ्लाइंग बीस्ट सौरभ जोशी ब्लॉग्स। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सजेशन, एंड उस पर हमने काम भी किया है, इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और यह फ्लाइंग बीस्ट सिंपल नेम तो नहीं है, अभी तो मैंने अपने नाम लिखा है और जो मेरी दुनिया है तो उसको हमने सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया वर्ल्ड, संकेत पालीवाल वर्ल्ड, ऐसा ही नाम निकला है यहाँ से। चलते अपना दूसरे कमेंट की तरफ। हाँ रत्नेश मालविया भाई, एक ब्लॉग अक्षय कुमार जी के घर का और उनसे मिलने का ज़रूर बनाइए, और आप उनसे मिलिए तो उनको बोलना आपका फ़ैन नंबर 1 खनवा में रहता है, एक बार मेरा नाम ज़रूर लेना, उनको बोलिए। हाँ तो अभी अक्षय कुमार जी से तो अभी हम नहीं मिले, उनका घर भी हमें अभी फ़िलहाल में तो नहीं पता है, लेकिन जाएंगे इन फ्यूचर जाएंगे ज़रूर, और कभी किस्मत रहे उनके साथ में काम किया तो भाई बोलूंगा आपकी बात भी, ठीक है। हाँ सो यहाँ पे अपने जो रियल क्वेश्चन वाले कमेंट थे वो सभी लगभग हमने अटेंड कर लिए, और एक और क्वेश्चन कि मैं करता क्या हूँ, तो भाई साहब मैं प्रोफेशनली एक्टर हूँ, मतलब एक्टिंग करता हूँ, इसलिए मुंबई में हम, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हमने यूट्यूबिंग चालू किया, यूट्यूब पर बहुत सर्च किया, बहुत रिसर्च किया और यूट्यूब का फंक्शन समझा है, तो मेरे यूट्यूब पे 5-7 चैनल है, अगर आप सभी व्लॉग देखोगे तो पता चल जाएंगे उसमें, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बस, अभी अपने लाइफ व्लॉग कर रहा हूँ, तो बस ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। चलिए रियल क्वेश्चंस को एंड करते हैं, उसका फोल्डर को ऑफ करते हैं, और यहाँ पे आपकी तारीफ वाले यार बहुत क्वेश्चन है, मैं ये सोच रहा हूँ इनको पढ़ने में इतना टाइम लग गया तो तारीफ वाले तो यार बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, तो जो जो मेरी निगाहों में आते हैं उनको हम फटाफट पढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे भी तारीफों में 2 तरह की तारीफ है, कुछ लोगों ने वीडियो की तारीफ की है और कुछ लोगों ने हमारी तारीफ की है और कुछ लोगों ने किशोरदा की तारीफ की, तो यार किशोरदा की तारीफ तो हर किसी ने की है, तो उनको तो अब हम क्या धन्यवाद बोल सकते हैं, वो तो मतलब सभी लोग करते हैं। तो राजेश कुमार गौतम, किशोर कुमार के बारे में आपने जो बताया उसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद भाई, आप और आपका परिवार सदा खुश रहे, आपको जीवन सब कुछ मिले, मतलब हाँ आपको जीवन में सब कुछ मिले ऐसा बोलना चाहते हैं भाई, तो थैंक यू सो मच भाई इतनी प्रे करने के लिए, थैंक यू, इट्स मीन लॉट टू मी। प्रकाश चंद यादव भाई आपकी तरफ मैं भी किशोरदा का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो भाई हम सभी हैं। ब्रैंड जैन, नाइस कंटेंट, ओके थैंक यू। सैयद सिर्फ जी ने लिखा है यू आर सो हार्ड वर्किंग, थैंक यू, इट्स सो इंस्पायर्ड मी, लव यू, थैंक यू सो मच भाई। टॉक्सिक गेमर, आई नो यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, हार्ड वर्क नेवर फेल्स, थैंक यू भाई। विनय कुमार प्रधान, हम भी इमोशनल हो गए, तो भाई मैं भी एक्चुअल में इमोशनल हो गया था अपना ब्लॉग बनाते बनाते, थैंक यू कि मैं इमोशन आप तक पहुंचा, थैंक यू सो मच भाई। ग्रेट ग्रेट किशोरदा समाधि स्थल दिखाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, अच्छा उन्हीं का कमेंट है, ओके थैंक यू। लेजी बॉय सामी हो, इंस्टा मैसेज किया रिप्लाई दो भाई, तो ओके भाई हम देख लेंगे, सॉरी हम देख नहीं पाए होंगे। तो SMD रॉक वारतना, तो मतलब ये बोलना चाहते हैं भारत रत्न तो सिर्फ अवार्ड है एक, लेकिन किशोरदास जी हर इंसान के दिलों में अनमोल रतन की तरह जीवित है, के सामने एक अवार्ड रतन आई मीन भारत मतलब भारत रत्न भी कुछ नहीं, ओके हाँ सच बोला आपने। डिजिटल कैमरा VS लिखते हैं दिस इज अ ग्रेट चैनल, कीप इट अप, नाइस जॉब, सब्सक्राइब योर चैनल टू, थैंक
थैंक यू सो मच, थैंक यू। सैयद महमूद हुसैन, सैयद महमूद हुसैन, इन्होंने लिखा है मैं भी खंडवा में आना चाहता हूँ, आओ ज़रूर आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। ओके, तो हाँ हमने ब्लॉग में बता भी दिया है कैसे आना है, कैसे वहाँ से ट्रेन स्टेशन से वहाँ तक आप आ सकते हो। तो किशोरदा के यहाँ पे जाना है तो आप जा सकते हो। शाजिया इज थैंक यू फॉर शोइंग अस द समाधि ऑफ किशोर कुमार, द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम। कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट्स वर्ड फ्रॉम हिज सॉन्ग इन रिटन ऑन हिज समाधि। अनफॉर्चुनेटली आई कांट रीड हिंदी, थैंक यू। सो ओके शाजिया जी, तो हमने वैसे कमेंट में भी लिख दिया था कि वो गाना कौन सा था, चलते चलते मेरे गीत, ये याद रखना। हमने बर्थडे के दिन ये वाला गाना भी सुनाया था गा के। सो अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो वो वाला ब्लॉग देख लेना जाके। तन्मय सिल, नाइस वीडियो, एंड उन्होंने आई थिंक बंगाली में कुछ लिखा हुआ है तो अच्छा लिखा हुआ, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कमेंट। समीर जोशी, यू मेड मी ऑल्सो इमोशनल, थैंक यू भाई फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्लॉग, द ग्रेटेस्ट किशोरदा, थैंक यू भाई, थैंक यू। और युवराज शर्मा, भाई समाधि मतलब क्या होता है, किशोर कुमार सर वहाँ दफन है या उस जगह पर उनको अंतिम संस्कार हुआ था? तो भाई साहब वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था तो वहीं पे उनकी समाधि बनाई गई है। दिलीप वासीदा, किशोरदा के गांव में जीवन की प्रेरणा है, सही है, खंडवा बहुत ही खूबसूरत है, हमने दिखाया भी अपने ब्लॉग्स में, अगर किसी ने खंडवा के ब्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। तो संजीव कुमार लिखते हैं एक स्मारक हर किशोरदा के चाहने वालों के दिल में भी है, या इट्स ट्रू। तो दिगंबर बंदोदकर जी लिखते हैं, हेलो सर नमस्कार, हेलो नमस्कार, आई एम अ दिगंबर, आई एम ऑल्सो सिंगर ऑफ अ किशोरदा सॉन्ग बाय कराओके वर्जन। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट। रफीक खान साहब लिखते हैं किशोर कुमार साहब को दिल से याद करता हूँ मैं भी, हमारे किशोरदा मिस यू साहब। ओके, ये किशोरदा के लिए। चरणदास किशोरदा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच भाई, आपने रुला दिया, थैंक यू भाई, थैंक यू, मैं आपको इमोशनल कर पाया और हम खुद इमोशनल हो गए थे वैसे, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी आपने, बाकी हम तो काफ़ी दूर रहते हैं, ये जगह कभी नहीं देख पाते, तो आई होप भाई आप वहाँ पे जा सको और वो जगह भी देख सको। लाइफ लॉन्ग म्यूजिक लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिल से, थैंक यू भाई दिल से, बेहद खूबसूरत वीडियो बनाया है किशोरदा के समाधि का, मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई, हम सभी हैं, मैं ये वीडियो बार बार देखता हूँ, कितना खूबसूरत समाधि बनाया गया है, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। हाँ भाई ये तो सच है, और थैंक यू भाई बार बार वीडियो देखने के लिए, और मेरे सभी ब्लॉग्स भी देखो, और थैंक यू फॉर योर लव। डी एच सौदे लिखते हैं मैं आपका आभारी हूँ जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समाधि के दर्शन करवाए, किशोरदा हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हाँ भाई सही है, और थैंक यू। रेनु एम धार, होप द रिस्ट्रिक्शन ऑफ गोइंग बेयर फूड इज कैप्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, अदरवाइज फिर स्टार्ट बर्निंग, कंसंट्रेशन इज लॉस्ट। तो ये वाले वीडियो में लगता है, ये वाले ब्लॉग में लगता है आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखा, हाँ हमारे पैर जल रहे थे, मतलब बर्न तो हो रहा था, लेकिन हमें ब्लॉग बनाना था और हमने बना दिया, तो थैंक यू, मैं समझ गया आपके कमेंट का मतलब, थैंक यू फॉर योर कमेंट। द मैजिशियन ऑफ वॉइस AK, इन्होंने लिखा है वेरी गुड जॉब, थैंक यू। जगदीश सोनी जी लिखते हैं एक्सीलेंट वीडियो शो, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, रियली किशोरदा वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एज वेल एज अ सुपर सिंगर ऑल्सो। जेसी सोनी, ओके थैंक यू सो मच। रोशन वर्णेकर लिखते हैं यू मेक मी क्राई आफ्टर वॉचिंग दिस सच अ ग्रेट एंड वर्सेटाइल सिंगर, मिस यू किशोरदा व्हेरेवर यू आर। थैंक यू भाई, आप भी मेरे इमोशन से जुड़ पाए, थैंक यू। उत्तम दास गुप्ता जी लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, सिंपल बट वेरी कम्युनिकेटिव, रिक्वेस्ट द MP गवर्नमेंट टू कम्प्लीट द म्यूजियम एंड ऑल्सो वर्क फॉर कन्फेयरिंग भारत रत्न। ओम शांति, ओम शांति। तो थैंक यू, थैंक यू, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो ब्लॉग इतना अच्छा बना है, क्योंकि उस टाइम पे हम नए नए थे तो हमें पता नहीं था क्या बोलना है, हम जस्ट ऐसे ही चले गए। मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ अपने ब्लॉग्स की, बस जाता हूँ और दिल में जो आता है वो बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दिल से बोली गई चीज़ दिल तक पहुँचती है,
तो काफी सारे लोग इसीलिए इमोशनल हुए थे क्योंकि हम खुद इमोशनल हो गए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। 24 मधुरिमा नाथ जी लिखती है, गॉड नेवर डाइज, गुरुदेव यू विल बी ऑलवेज बी इन अवर हार्ट्स। सही है, राइट। भुवन चंद्रा जोशी जी लिखते हैं, वह आपने दूर से ही दर्शन करा दिए, थैंक्स। तो थैंक यू यार, आप सबको ये वाला ब्लॉग पसंद आया और आई होप मेरे दूसरे ब्लॉग भी आपको पसंद आए। आविन इंट ब्रदर, डीपली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डिड, सुपर फैंटास्टिक जॉब, थैंक यू सो मच, लव यू KKDA। सो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। इन्होंने भी शायद बंगाली में कुछ लिखा है, श्रीधर राव जी ने, तो आई होप अच्छा ही लिखा होगा, तो थैंक यू। क्योंकि मुझे ट्रांसलेट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। एक बांग्लादेश से उनका कमेंट है, मनीरुल आलम, इन्होंने भी अच्छा ही लिखा होगा आई होप। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट। और मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल और भी काफ़ी सारी, मतलब US, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वहाँ तो सब देखते ही हैं, बाकी इन जगहों से कमेंट भी आया है। एक जापान का भी कमेंट आया था अपने 1K जब सब्सक्राइबर पूरे हुए थे वो वाले ब्लॉग पे, तो मिया VI जापानीज में कुछ लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन लाइक टू टू। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट। एंड फिर उन्होंने सेकेंड लिखा है, आई एम वन ऑफ योर सबीज ऑन यूट्यूब। अच्छा, आप भी यूट्यूब चलाते हो, ओके, एंड रियली एन्जॉय योर वीडियोज। सर थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन, लेकिन आप मेरे वीडियोस को एंजॉय करते, अच्छी चीज़ है, बट मैं हिंदी बोलता हूँ, आप हिंदी समझ पाते हो क्या? अगर समझ पाते हो तो बहुत बढ़िया है, ओके। वैसे आपका प्रमोशन हो गया। सागर विश्वकर्मा ब्लॉग्स, ऑसम ब्लॉग, आई एम फ्रॉम खंडवा, नाइस टू सी योर ब्लॉग अबाउट अवर टेम्पल। सो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मनोज तिवारी जी लिखते हैं, हे अंकित भाई कैसे हो आपके? अच्छा हूँ भाई, आपके ब्लॉग रोज देखता हूँ, आपके वीडियो डेली देख रहा, मैं खंडवा से रुस्तमपुर मंदिर में मिले, आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो मैंने शायद रिप्लाई भी दिया है भाई कि भाई इंस्टाग्राम पे DM कर दो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया तो मेरी बहन बच जाएगी, क्योंकि वैसे भी हाँ काफी सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट नंबर मांगा है, तो यार कॉन्टेक्ट नंबर लेके क्या करोगे? मतलब आपको जो बात करनी है वो कमेंट में बात कीजिए, इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, वहां पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ, काफी सारे लोगों को दिया, लेकिन मोबाइल नंबर देना, मतलब जो मेरे काम की चीजें होती है, जो मेरे काम के कॉल आते हैं, अगर आप सबके कॉल आने लग गए तो वो वाले कॉल नहीं आ पाएंगे। सो आप समझ सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकता, DM कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैं जवाब दूंगा, यहाँ पे कमेंट में भी मैं जवाब दे ही रहा हूँ, हमारे तो डेली ब्लॉग्स आते ही है, तो मुझे कभी ऐसा लगा कि इन कमेंट्स के जवाब देने चाहिए, तो मैं आगे भी जवाब देते रहूँगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं मिले थे इसके मैसेजेस, तो ऋतिक राठौर, प्राइस क्या है? इन्होंने बाइक की प्राइस पूछी थी, तो मैंने वैसे बता दी थी 59,000 इन कैश, और अगर आप इसको EMI पे लेते हो तो 70,000 के आसपास पड़ जाती है। जीत कुमार भाई, मेरे प्राइस तो बता दें। तो जीत कुमार भाई साहब, आपके तो बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे, जो मैंने बताए थे कि वो रिव्यू में जा चुके थे तो मुझे पता नहीं चले थे, आपके 10-15 मैसेजेस थे और काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस भी लिखे आपने, तो थैंक यू इसके लिए। और भाई इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, एक प्राइस जानने के लिए गूगल भी कर लेते तो मिल जाती आपको प्राइस, ठीक है। और वैसे मैंने जब मैसेज देखा तो आपको बता ही दिया 59,000 प्राइस है उस बाइक की, और बस बाकी तो ठीक है, समझ ही गए होंगे आप मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप तक ये ब्लॉग पूछा तो। तो माउनाथ जी ने भी लिखा है, इट्स नॉट 4th अप्रैल, इट्स 4 अगस्त, हैप्पी बर्थडे किशोर। तो हाँ भाई, मतलब आई नो, मुझे पता है, अरे यार इमोशनल हो गया था तो निकल जाता है, और हम इतने लेट हो चुके थे अपना ब्लॉग डालने में, सुबह 9 बजे डालना था, रात को हमने 12-1 बजे तक बनाया था और 2 बज गई थी, और एडिट मैंने सुबह 4-5 बजे उठ के एडिट किया था, तो वो एडिट होने में इतना टाइम लग जाता है, उसको फिर इम्पोर्ट करो एक्सपोर्ट करो उसमें भी टाइम जाता है,
सो हमारे पास में इतना टाइम नहीं था, तो मैंने व्लॉग चेक भी नहीं किया था। और जब मैंने ये व्लॉग बनाया था उस टाइम पे, वैसे ही मैं एक्साइटेड भी था और इमोशनल भी था, तो उस चक्कर में वो जो मंथ है वो मंथ भी थोड़ा गड़बड़ा गया है। बिकॉज मैं वो शायद बोलना चाहता था कि उनका व्लॉग मैंने कब बनाया था, तो अप्रैल में शायद उनका व्लॉग बनाया था मैंने, तो वो अप्रैल 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 वो दिमाग में चल रहा था, इसीलिए वो व्लॉग में भी निकल गया। उसके लिए सॉरी भी बोला और डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा यार। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने लोगों ने ये गलती को पकड़ा उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि उससे मुझे ये पता चलता है कि व्लॉग आप इतना ध्यान से देखते हैं, थैंक यू। सो भाई ये वाला व्लॉग अभी तक 40 मिनट का शूट हो चुका है, मुझे ऐसा लगा था 10 मिनट में ख़त्म करूँगा, लेकिन बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा यार। अब विनीत श्रीवास्तव जी ने लिखा है ब्यूटीफुल व्लॉग अंकित भाई एंड गॉड ब्लेस # किशोर कुमार # हैप्पी बर्थडे किशोर दा। बहुत लोगों ने ट्रिब्यूट नहीं दिया किशोर दा को, लोग भूल गए हैं अपने लेजेंड सुपरस्टार। सो हाँ काफ़ी सारे लोग याद करते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं करते, ठीक है, जो दिल से याद करते हैं वो याद करते हैं, जो नहीं याद करते हैं क्या कर सकते, कुछ है। अगर दिल से याद नहीं आती है तो याद करने का और दिखाने का कोई मतलब भी नहीं, इसलिए जिनको दिल से याद आती है वो दिल से याद करती है। तो नेक्स्ट कमेंट है देवोशिष मोंडल प्रणाम मेरे भगवान किशोरदा, ये वाला मैसेज किशोरदा के लिए, हमारे लिए नहीं, तो सबके मतलब भगवान तो बन ही चुके हैं, वो भगवान के जैसे ही। यश स्टार FF लिखते हैं भैया आप एक्टर हो ना, मैंने आपको प्रेम रतन धन पायो में देखा था। हाँ प्रेम रतन धन पायो में हमने काम किया है सलमान खान के साथ में, उनके बॉडीगार्ड बने थे, जब तुम चाहो सॉन्ग में दिख जाऊंगा मैं। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बता भी चुका हूँ कि मैं एक्टर हूँ, तो फिल्में और सीरियल भी किए मैंने, थैंक यू फॉर योर कमेंट। अभिषेक बैनर्जी लिखते हैं ग्रेट भाई लोग, आपने एफर्ट लिया ये बर्थडे मनाने का, वरना लोगों को कहाँ टाइम है भाई। लेकिन उनका बर्थडे 4 अप्रैल को नहीं यार, 4 अगस्त को है, वीडियो में ठीक कर लो, ऐसी गलती मत करा करो भाई, ऐसी गलती मत करा करो यार। अरे यार भाई मैंने भी जब ब्लॉग देखा तो मुझे भी वो रियलाइज हुआ, लेकिन वो एडिट में नहीं सुधर सकता है, मतलब जब आप वीडियो अपलोड कर देते हो यूट्यूब पे तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने देखा भी था, चेक भी किया था कि मैं अपनी वॉइस डाल दूँ या उस चीज़ को हटा दूँ या वहाँ पे कुछ लिख दूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकती है उसमें, सो जहाँ तक मुझे पता है। सो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था और इसीलिए टाइटल में भी मैंने डाल दिया था कि 4 अगस्त, ताकि लोगों को ये गलतफहमी ना हो और लोग समझ जाए कि वो फिल में गलती से बोल दिया है, तो अंडरस्टैंड कर लो यार। रॉयल गेमर कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो फॉर 1K सब्सक्राइबर, थैंक यू। सचिन कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, थैंक यू भाई। राहुल बैनर्जी ये एक मंदिर है जिसमें एक भगवान रहते हैं, सही है। रत्नेश मालवीय 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में भाई को बहुत बहुत बधाई शुभकामना, आई होप, मैं चाहता हूँ कि भाई के 5000 सब्सक्राइबर भी जल्दी हो। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई होप जल्दी हो 5000 10000 उससे आगे भी। शंकर चंद्रा ग्रेट जॉब यार, लॉट्स ऑफ लव, कैरी ऑन दोस्त, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू भाई। अनऑफिशियल निखिल नाइस इन्फॉर्मेशन # अनऑफिशियल निखिल, लो भाई साहब आपका प्रमोशन हो गया, थैंक यू। जय आदिवासी निहाल लिखते हैं बहुत बहुत बधाई भाई आपको, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो थैंक यू भाई। और फिर वो अंदर भी लिखते हैं भाई आपसे मिलना है हमें, तो भाई रखेंगे किसी टाइम मीटअप रखेंगे, जैसे हमने बच्चों से मीटअप रखा था, उन्होंने बहुत जीत की थी, तो 10-15 बच्चे जो हमारे मोहल्ले में आ गए थे, कॉलोनी के थे, तो उनसे हमने मीटअप रखा था, उसका ब्लॉग भी बना था, उसका ब्लॉग भी देखना चाहो तो पीछे है, मतलब पुराने ब्लॉग्स में, तो आई होप जल्दी से मीटअप भी करेंगे, कुछ ऐसी पोजीशन आ जाए कि मीटअप के लिए मैं जा सकूँ, तैयार हो सकूँ। एंड ये वाला कमेंट हमारे टेक्नोलॉजी वाले चैनल पे आया है, क्योंकि हमने जो 1000 सब्सक्राइबर वाला ब्लॉग बनाया था उसी से रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाया था जो टेक्नोलॉजी वाले चैनल पे, अगर वो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, तो उसमें एक कमेंट किया एक भाई ने,
सुपर भाई, आपकी वीडियो मेरे सजेशन में आई थी एक वीक पहले। जब से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ बहुत आगे तक जाओगे। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड लो प्रमोशन भी हो गया आपका। अभी हम अपने मेंस कमेंट की तरफ चलते हैं, नया फोल्डर खोलते हैं। बाकी तारीफ बहुत हो चुकी है, अब थोड़ी सी गालियाँ भी सुन लेते हैं। सबसे पहला कमेंट, मतलब जो हमें 2 मंथ्स पहले मिला था किशोरदा वाले ब्लॉग पे, राजन वी साहब की तरफ से। अरे बकलोलवा, उनका सॉन्ग तो एक आधी चला देते, अपनी बकवास खाली करनी है। तो भाई साहब, व्लॉग मतलब अब उसको बकवास बोल लो या बातें करना बोल लो, जब तक मैं बोलूँगा नहीं अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाऊँगा। और सेकेंड चीज, उनका सॉन्ग इसलिए नहीं सुना सकते थे क्योंकि भाई यूट्यूब पे कॉपीराइट इशू नाम की भी कोई चीज़ होती है, कॉपीराइट आ जाता भाई हमारा चैनल मोनेटाइज ही नहीं होता। और कॉपीराइट क्लेम के साथ साथ में कॉपीराइट स्ट्राइक भी आती है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं, इसीलिए हमने नहीं सुनाया। और अगर आपको उनका सॉन्ग सुनना ही है तो भाई यूट्यूब पे बहुत हज़ारों सॉन्ग्स पड़े, आप सुन सकते हो। ये तो यार उनके समाधि स्मारक के बारे में था, तो वहाँ पे उन्हीं की बात होगी ना, और वही चीज़ दिखाऊंगा और उसी की बात भी करूँगा, तो समझ गए होंगे शायद। बट फिर भी थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। बॉलीवुड बडीज बोलते हैं, ठीक से पूरी इंफॉर्मेशन लेकर वीडियो बनाया करो। ओके, मतलब जितनी हो सकती है मैं उतनी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, बिकॉज वीडियो जब बनाना होता है मैं एक दिन पहले ही प्लान करता हूँ, क्योंकि हर दिन मेरा एक ब्लॉग आता है तो उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ वो गूगल से भी हटके होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो गूगल पर मिल ही जाती है। वो इन्फॉर्मेशन मैं बता के क्या करूँगा, मैं वो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो वहाँ के पर्सनल जो लोग रहते हैं उन्हें पता होते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती है जो आपको टच कर सके, जो ऐसी पर्सनल चीज़ें होती है जो गूगल पे नहीं होती, मैं वो शेयर करता हूँ आपसे। सो इसीलिए हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बिकॉज वो तो गूगल पे मिल ही जाएगी। ओके, उनको प्रणाम तक नहीं किया तो सर लगता है आपने पूरा व्लॉग नहीं देखा था, उसका पहले ही कमेंट कर दिया था जल्दबाजी में। और हाँ ठीक है, आपने बाद में कमेंट किया है, चलो प्रणाम तो किया तो कुछ नहीं बोलेंगे हम, सब पूरा ब्लॉग देख लिया कीजिए। एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट। अर्पित इंसान जी लिखते हैं, स्मारक को कम और खुद को ज़्यादा दिखा रहे हो भाई। तो भाई साहब, हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, उनकी स्मारक तो हमने दिखाई दिए। अगर मैं बात करते टाइम आपकी तरफ नहीं देखूंगा, अगर मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, तो वो जो इमोशनली कनेक्ट हुए सब वो कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने किशोरदा पे वीडियो बनाया, काफ़ी सारे आप देख सकते होंगे स्मारक के उनके घर के वीडियोज बने, लेकिन अपने वीडियोस पे व्यू इसीलिए ज़्यादा है, कमेंट इसीलिए ज़्यादा है, बिकॉज सब लोग दिल से जुड़े हैं इससे। और वो क्यों, क्योंकि मैं कैमरे के सामने आके अपना इमोशन आपसे बयां कर रहा था, तो आप भी इमोशन से अटैच हो सके और मेरे व्लॉग से अटैच हो सके, इसीलिए आपको व्लॉग पसंद भी आया और इसीलिए इतने लोगों ने ये व्लॉग देखा और कमेंट किया, तो थैंक यू। और यार अपना व्लॉगिंग चैनल है तो मैं तो रहूँगा ही उसमें, तो व्लॉगिंग मतलब तो मेरे बताए बिना वो चीज़ें कन्वे नहीं हो सकती है ना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर कमेंट। झा साहब, अच्छा इनके इसमें साहब लिखा हुआ है, तो झा साहब साहब किशोर दा का, झा साहब साहब किशोर का क्यों बनाया, इनके पिताजी रफी साहब का बनाना चाहिए था पहले। तो भाई साहब, सभी लेजेंड है और सभी की पोजीशन है कुछ, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है, सो सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। और हाँ, इन्होंने नीचे एक और कमेंट लिखा है, किशोर इज अ नॉव एवर नियर रफी साहब, ऑन ईयर रफी साहब, जो जो कमेंट आप पढ़ सकते हो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लग रहा है। अरे साहब, किशोर दा क्या है, वो आप इन कमेंट्स में देख सकते हो, जाके वो वाले ब्लॉग जो आपने देखा है वहाँ पे कमेंट्स पढ़ सकते हो, वहाँ पे किशोर दा ने किसी को ज़बरदस्ती नहीं की है कमेंट करने के लिए। ठीक है, उनके गाने इतने चलते हैं और वो सबके दिलों में रहते हैं। और मैं रफ़ी साहब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके घर का भी मैंने व्लॉग बनाया, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो। रफ़ी साहब भी कुछ है और किशोर दा भी कुछ है, मतलब सबकी अपनी अपनी पोजीशन है यार, सब अपनी मेहनत से आगे बढ़े और अपनी मेहनत से उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया। तो गिव अ रिस्पेक्ट टू एवरी वन, एवरी लेजेंड। ओके,
तो ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। वो तो अच्छा है, हमारे वीडियोज़ में सब अच्छे अच्छे कमेंट आए, नहीं तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई आपको कुछ बोल ना दे। सो कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं, लास्ट दो कमेंट लेते हैं। प्रमोद पाटिल साहब बोलते हैं, अरे भाई उनका स्टेच्यू ठीक से दिखाया नहीं, और उनके समाधि पे जो फोटो है और गाने की लाइन थी, जन्म मृत्यु भी ठीक तरह से दिखाया नहीं। आपको जल्दी थी क्या, थोड़ा समय लेते और आप ये सब बताते तो बहुत अच्छा लगता। बड़ी हस्तियां से आप दिखाना चाहते तो थोड़ा समय काट कर दिखाते तो अच्छा होता। भाई आपसे एग्री करता हूँ मैं, क्योंकि हमने बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाया था और चीज़ें इसलिए नहीं दिखा पाए थे क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास में इक्विपमेंट इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हर चीज़ दिखा सकूँ। ड्रोन नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपको पूरा ऐसा दर्शन करा सकूँ। और रही बात प्रॉपर चीज़ों को दिखाने की, तो यार वो मृत्यु और ये जो जन्म है वो तो हर इंसान को पता है, या जिनको नहीं भी पता है तो गूगल पे है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैं उस टाइम पे इमोशनल हो चुका था यार, तो मैंने वो वाली चीज़ें नहीं सोची। जो अपना इमोशनल मैसेज था और जो अपने इमोशन थे वो मुझे कन्वे करने थे, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। और वैसे जितने लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया वो देख के लगता है कि मेरा जो इमोशन था वो कन्वे हुआ है, वो कनेक्ट हुआ। तो ये वाली चीज़ें मुझे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी, हालांकि है इम्पोर्टेंट, आई एग्री। लेकिन हाँ, हम नए नए ब्लॉगर भी थे तो ये गलती होती, नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान देंगे। एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट। बॉलीवुड बबल्स, इनका एक और कमेंट है, जब कुछ भी नहीं चल रहा या खुला नहीं है तो ऐसे स्पॉट मत सिलेक्ट करो। तो भाई मतलब उस टाइम पे जब हमने ब्लॉग बनाया था, जब सब कुछ नहीं बंद था, और जब बंद हुआ तो हमने वो वाले ब्लॉग भी बंद कर दिए थे। आपने देखे होंगे शायद, मेरे पूरे ब्लॉग्स आपने नहीं देखे इसलिए आप हमारी जर्नी से कनेक्ट नहीं हो पाए। क्योंकि जब बंद हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो हम घर पे ही ब्लॉग बनाते थे और हम खुद कोशिश करते, जहाँ पे परमिशन नहीं है जाने की हम वहाँ पे नहीं जाते। यहाँ परमिशन मिली थी जाने की, इसीलिए हमने यहाँ का ब्लॉग बनाया। और जहाँ जहाँ हमें परमिशन मिलती है हम सिर्फ वहीं के बनाते, जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ पे हम रुक जाते हैं। आप मेरे पुराने ब्लॉग्स में देख सकते हो तो मेरा बिहेवियर और मेरा काम करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। सो फिर भी थैंक यू, आपने इतने सारे कमेंट्स किए हैं और आई होप आप ब्लॉग पूरा देखें और दूसरे भी ब्लॉग देखें, ताकि आप जो बोल रहे हैं उससे आपको पता चल जाए कि उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, सो चलिए ये कमेंट्स का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी बहुत सारे कमेंट है लेकिन सबको नहीं ले सकते, क्योंकि वैसे ही ये एक घंटे के ऊपर का ब्लॉग हो चुका है, तो अब इसे एंड करते हैं। अगर आपके कोई कमेंट है तो इस ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में डालिए, हम नेक्स्ट बार उन सवालों के जवाब देंगे। और ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, जो भी आपको करना है, जो भी सवाल है, जो भी कुछ है। तो ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको कमेंट करना हो। और ठीक है, मैं बाकी सब सवालों के जवाब तो हमने दे दिए। अगर किसी को मेरी कुछ बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। जितने लोगों ने हमें प्यार दिया और सपोर्ट किया उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। ब्लॉग भी हमने बनाया था, अगर वो देखना है तो देख लेना, हमारी खुशी के ठिकाने नहीं थे उसमें। तो ठीक है, मिलते रहेंगे आने वाले एक्साइटिंग ब्लॉग्स में। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के दिन का भी एक व्लॉग आएगा जो परसों आएगा, 16 तारीख को आएगा। ठीक है, इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय। एंड स्क्रीन पे सबके कमेंट्स में लगा रहा हूँ तो देख लेना, और अपनी एंड स्क्रीन भी लगा रहा हूँ तो देख लेना। ओके, बाय बाय। सो फिर से हमारा स्पेस फुल हो गया और बंद हो गया था कैमरा, तो अभी हमने कुछ डिलीट करके फिर से चालू किया है। तो अब हमारे पास में सिर्फ 10 मिनट है, अभी तक एक घंटे के ऊपर का ब्लॉग बन चुका है, और पता नहीं हम कैसे एडिट करेंगे। तो लाइट भी चले गई है, अंधेरा हो चुका है, शाम को 6:30-7 बज चुके हैं।